कल तो ग्रीन हल्क का बर्थडे है, हम सब मिलके सारे अवेंजर्स को उसके अगेंस्ट टर्न कर देंगे। बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास। ये देखो सारे अवेंजर्स यहाँ पे खड़े हैं, अवेंजर्स मैंशन में नाच रहे हैं। यहाँ पे टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन, हल्क बस्टर, छोटा सा एंटमैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और यहाँ पे हल्क जिसका कल बर्थडे है। हमारे पास ऐसी स्कीम है कि ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। ओ गाइस देखो यार, आज तो हल्क का बर्थडे, यार सब जन यहाँ पर इकट्ठा हो रहे, बहुत ज्यादा मजा आएगी, है ना शिनचैन? हाँ पिंकी, मैं बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। और गाइस ये देखो यार, यहाँ पे ये ग्रीन हल्क का बर्थडे है, पर इतने सारे ब्लैक हल्क के टाइटन गॉड्स यहाँ पे क्यों आए यार? ये लोग यहाँ पे जब भी आते लॉस सैंटोस में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते, पर ठीक है कोई बात नहीं, आज तो ग्रीन हल्क का बर्थडे बात छोड़ देते। और टाइटन गॉड्स कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन तू क्यों यहाँ पे आ गया, ये तो अवेंजर्स की पार्टी है। अरे पर मैं भी तो एक अवेंजर हूँ ना, शिनचैन भी अवेंजर है, चॉप भी इवन एक अवेंजर है, हम तो यहाँ पे आएंगे ना। अरे ऐसी बातें क्या, थी 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 तू किस किस को अवेंजर्स में ले लेते? अरे कोई बात नहीं, जिसको भी ले लेते। अरे तुम सब वहाँ पे नाच क्यों रहे हो यार, यहाँ पे जल्दी आओ, हल्क की बर्थडे नहीं बनानी। हल्क का बर्थडे आज तो हल्क को बहुत मजा आने वाला है। अरे बहुत सच्ची में मजा आने वाला है, आज तो हम हल्क की बहुत तेज बर्थडे मनाएंगे। हल्क बस्टर भी बर्थडे बनाएगा हल्क की, आज तो हल्क और हल्क बस्टर भी दोस्त है। एंटमैन को भी बर्थडे बनानी है हल्क की, एंटमैन भी बनाएगा। और टोनी स्टार्क तो बनाएगा, इस सारी बर्थडे की तैयारी अभी तो मैंने करी है। अरे हाँ गाइस, तुम लोग भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे हल्क लिख दो, सही बोला ना टाइटन गॉड्स? अरे हाँ किडो लिख दो लिख दो। अरे सारे अवेंजर्स नीचे आओ यार यहाँ पे। अरे हाँ सही बोला, पूरी रात से हम यहाँ पे नाच रहे, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, यहाँ पे हल्क की बर्थडे पार्टी भी तो मनानी है हमें। ओके गाइस तो देखो यहाँ पे सारे अवेंजर्स नीचे आ गए। अरे मजा आ गया, हल्क की बर्थडे पार्टी बन रही है, यहाँ पे देखो कितने सारे केक आए, मैंने तो सारे केक खा लिए। अब यार केक खाने के बाद बहुत मजा आएगा, सारे मेरे दोस्त भी केक खा लो यार। अरे किड़ो तुम लोग केक खाओ, उससे पहले हमें तुम्हें एक सरप्राइज देना है। देखो यार आज यहाँ पे ग्रीन हल्क की बर्थडे है ना, इसके लिए हम सब ने मिलके एक चीज डिसाइड की है कि हम सारे अवेंजर्स को हल्क टाइटन गॉड्स के बदले एक गिफ्ट देंगे। ये पिंकी में क्या गिफ्ट मिलने वाले, तुम्हें क्या लगता है? अरे शिनचैन मुझे तो पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला, अभी टाइटन गॉड्स ही बताएंगे। टाइटन गॉड्स क्या गिफ्ट मिलने वाला है वो तो बताओ। अरे फ्रैंकलिन तेरे पीछे देखिए क्या है। अरे ओ माय गॉड टाइटन गॉड्स, तुम यार हल्क के बर्गर यहाँ पे लेकर आ गए हो, इसको खा के हम अपग्रेड हो पाएंगे। अरे हाँ कीड़े इसको खा के अपग्रेड हो पाएंगे, पर यहाँ पे है ना हम हल्क के बर्गर सारे अवेंजर्स के लिए लेकर आए, क्योंकि सारे अवेंजर्स हल्क का बहुत ध्यान रखते हैं। अरे हाँ हल्क का सारे अवेंजर्स बहुत ध्यान तो रखते हैं, स्पेशली टोनी स्टार। अरे हाँ यार मैं भी तो हल्क का ध्यान रखता हूँ, टाइटन गॉड्स मुझे भी बर्गर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाँ कीड़े मिलेगा ना, पर सब जनों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में ईट लिखना पड़ेगा, EAT, तभी तुझे हम बर्गर खाने देंगे। गाइस देखो टाइटन गॉड्स ने ना, ये सारे ब्लैक टाइटन गॉड्स ने मिलकर है ना यहाँ पे सारे अवेंजर्स और मेरे लिए ना हल्क के बर्गर्स लेकर आए हल्क की बर्थडे पार्टी के लिए। तो यार अगर तुम चाहते हो कि मैं भी हल्का बर्गर खा के बहुत ही तगड़े ग्रीन हल्क में अपग्रेड हो जाओ, तो देखो तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में ईट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईट का मतलब होता है खाना और मुझे ये बर्गर खाना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ईट लिख दो। अरे कीड़ो अगर ईट नहीं लिखा ना कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करने के बाद, तो फ्रैंकलिन को बर्गर नहीं खाने देंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं करेगा, सही बोला ना? अरे हाँ ओडिन की कसम, सब जन वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ईट लिख दो कि मुझे भी बर्गर खाना है। अरे थॉर को भी बर्गर खाना है गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ईट लिख दो। टाइटन गॉड्स देखो आई थिंक सब जनों ने कमेंट सेक्शन में ईट लिख ही दिया है। ठीक है फ्रैंकलिन, एक काम कर तू सबसे राइट साइड वाला बर्गर खा ले। ओके गाइस मजा आ गया यार, देखो यार आज तो मुझे बिना किसी तकलीफ के बर्गर खाने मिल गया, ऐसे कैसे होता है, वरना तो मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़ते। ठीक है गाइस तुमने वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट सेक्शन में ईट लिख दिया ना, देखो यार उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यार, मैं तो एक ग्रीन हल्क में अपग्रेड हो गया। पिंकी बेयर पर देखो तुम्हारी बॉडी पे क्या है। अरे शिनचैन ये क्या है, तो छोटे छोटे ड्रैगन्स है। अरे कीड़े आज हम जो भी अपग्रेड पावर्स लेकर आए वो ड्रैगन वाले हल्क की अपग्रेड पावर्स लेकर आए, तो अभी एक छोटा हल्क बना है लेवल 1 का, इसके लिए देखते इस पे लेवल 1 के ड्रैगन्स है उड़ते हुए छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे ना। अरे हाँ बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे, रुक जाओ यार एक चीज टेस्ट करने दो, क्या मेरे पास ड्रैगन की फायर पावर्स भी आई है। यस गाइस देखो मेरे पास ड्रैगन की फायर पावर्स भी आई है। ओ पिंकी भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई, शावा शावा भी हो गया, तुमको तो एक मस्त ड्रैगन हल्क का सूट मिल गया। अरे हाँ ड्रैगन हल्क का सूट तो मुझे मिल गया है। अरे हल्क का बर्थडे, हल्क को भी अपग्रेड होना है, हल्क को भी अपग्रेड वाला बर्गर खाना है। टाइटन गॉड्स मैं कौन सा बर्गर खाऊं? अरे हल्क कीड़े रुक जा यार, तू ये वाले बर्गर नहीं खा सकता, तेरे पहले सारे दोस्त बर्गर खाएंगे ना, क्योंकि तेरे दोस्तों को तूने बर्थडे पार्टी में बुलाया तो दोस्त पहले खाएंगे ना। बात तो सही है, पर हल्क को भी एक बर्गर चाहिए, ठीक है ना टाइटन गॉड्स? अरे हाँ हाँ हल्क यार टाइटन गॉड्स मेहरबान है, तो गधा पहलवान है यार, तू चिंता मत कर मेरे पास आके खड़ा हो जा। जल्दी से सारे अवेंजर्स पहले खुद को अपग्रेड कर लेंगे, फिर अपने दोनों वापस से बर्गर खा के अपग्रेड होंगे। ठीक है ऐसा ही करो। ये कीड़ों को पता नहीं है ना हमने तो यहाँ पे कम बर्गर लेकर आए, इसके लिए हल्क को तो अपग्रेड होने के लिए बर्गर मिलने ही नहीं वाला, तो फिर हल्क सारे अवेंजर्स से जलने लगेगा। जब सारे
अवेंजर्स के पास जायंट हल्क की पावर आ जाएगी और उसको उसकी बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। फिर अवेंजर्स के बीच में फूट आ जाएगी। हा हा हा, बहुत मजा आएगा। और हमने तो यहाँ पे ब्लैक फ्रैंकलिन को भी तैयार रखा है, वो भी अपने इविल प्लान के साथ रेडी है, बहुत मजा आने वाला है। अरे टोनी स्टार्क, जाओ जाओ, तुम तुम्हारा बर्गर खाओ ना हल्क की बर्थडे का। अरे थैंक यू टाइटन गॉड सर, मैं हमेशा से सोचता था एक जायंट हल्क बनने की पावर कैसी लगती होगी। आज फाइनली यार तुमने मुझे मौका दे दिया। चलो मैं ये वाला हल्क का बर्गर खा लेता हूँ। अरे वाह, ये देखो फ्रैंकलिन, मैं तो एक जायंट टोनी स्टार्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। टाइटन गॉड्स यार, एक जायंट हल्क बनने की तो पावर ही अलग है। अरे कीड़े, तुझे तो अभी पता नहीं है पावर किसे बोलते हैं, इतनी तगड़ी पावर है ना, और सब अवेंजर्स को भी मिलेगी, सारे अवेंजर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे लॉस सैंटोस में। अरे हाँ बात तो सही है गाइस, देखो टोनी स्टार्क तो जायंट हो गया। अब टोनी स्टार्क को जायंट होने की पावर मिली और मुझे भले ही छोटे हल्क में है ना ड्रैगन वाले हल्क की पावर मिली, तो हिसाब आई थिंक बराबर ही है। अरे फ्रैंकलिन सही बोला, हिसाब तो बराबर ही है। अरे बर्थडे तो हल्क का है, पर ये टोनी स्टार्क को जायंट सूट क्यों मिला? अरे हल्क ऐसे चिलते नहीं यार, कोई बात नहीं ना, तुझे भी मिलेगा, टाइटन गॉड्स खड़े तो है। हाँ, पर हल्क को पहले चाहिए। अरे हल्क को पहले चाहिए पर ऐसा नहीं होता ना, टाइटन गॉड्स ने क्या बोला सुन रहे नहीं हो? ओह माय गॉड, ये देखो यार कितना ज्यादा मजा आ रहा, यहाँ पे तो मैं एक जायंट डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क बनूंगा। ऐसी पावर कैसी लग रही है टोनी भैया? अरे टोनी स्टार्क को तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को भी चाहिए, जल्दी से बर्गर खा लगता हूँ। अरे वाह वाह वाह, मुझे देखो टोनी, तुम्हारे जैसी जायंट पावर्स मिल चुकी है। अरे वाह वाह, मेरे मैजिक की पावर तो और भी बढ़ चुकी है। अरे गाइस देखो, टोनी स्टार्क के साथ साथ अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक जायंट हल्क में कन्वर्ट हो गए। ओह माय गॉड। अरे कीड़ो बहुत अच्छी लग रही है ना पावर। अरे हाँ, सबसे बेस्ट पावर है जायंट होने की तो। अरे ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी जायंट हो गए, टाइटन गॉड हल्क कब जायंट होगा? अरे कीड़े थोड़ी शांति रख यार, तेरे सारे दोस्तों को तो पहले बर्गर खा लें दे, तो अपनी बर्थडे पार्टी में अपने दोस्तों को भूखा रखना चाहता है क्या? हल्क भूखा तो नहीं रखना चाहता, पर हल्क को भी बर्गर खाना है। अरे हल्क भाई ठंड रख, देख मुझे इतना अच्छा सूट मिला, तुझे भी मिलेगा। अरे जल्दी करना है। ये देखो यार, यहाँ पे ब्लैक फ्रैंकलिन को काफी ज्यादा लेट हो गया। मुझे तो यहाँ पे अवेंजर्स हाउस पे ये ब्लैक टाइटन गॉड्स ने बहुत पहले बुलाया था। कोई बात नहीं यार, ये देखो एक काम करता हूँ, मैं तो है ना यहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है मेरा सिग्नल क्या है, जब हल्क है ना सबसे ज्यादा जेलस होने लगेगा ना, तब मुझे है ना यहाँ पे बीच में आना है। बहुत मजा आएगा, आज तो सारे अवेंजर्स को हम अंदर से दबा कर देंगे। अवेंजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके लिए हम अवेंजर्स को सामने सामने नहीं हरा सकते, तो आज हम अवेंजर्स को अंदर अंदर लड़वा के हरवा देंगे। ठीक है चलो, यहाँ झाड़ियों में छुप जाता हूँ और मेरा काम आने तक का वेट करता हूँ। स्पाइडरमैन की बारी है, स्पाइडरमैन सबके दिल का चेंज रहेगा जायंट हल्क में कन्वर्ट होके। ओहो टाइटन गॉड, मेरी बारी है ना। अरे हाँ कीड़े, तू तो सच्ची में कीड़ा है, तुझे कीड़ा बोल ही सकते। अरे हाँ मुझे कीड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, हल्क के बर्गर खाने मुझे। नम 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 नम। अरे ये देखो, ये स्पाइडरमैन भी बर्गर खा रहा है, हल्क की बर्थडे में सब जन हल्क के बर्गर खा रहे, इसके बाद तो एक ही बर्गर बचेगा। अरे वाह, ये देखो मैं भी हल्क का बर्गर खा के क्या खतरनाक खिलाड़ी बन चुका हूँ, ये पेड़ पे तो कितनी आसानी से चढ़ गया। अरे हाँ स्पाइडरमैन, अब तो छोटा बच्चा नहीं रहा यार, तेरे पास तो यार कितनी ज्यादा पावर्स आ गई है, तू तो पक्का ये अपने हल्क से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हल्क हमेशा मुझे चिढ़ाता था ना, ये स्पाइडरमैन तो बहुत कमजोर है, अब पता हल्क कौन कमजोर है कौन स्ट्रांग है। अरे तू मेरे को धक्का क्यों मार रहा है स्पाइडरमैन? गलती से लग गया। अरे ये तो देखो यार, हल्क की बड्डी पे टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन सब जन अपग्रेड हो गए। फ्रैंकलिन को भी एक बार ड्रैगन हल्क की पावर मिल गई, अब हल्क कब अपग्रेड होगा? टाइटन गॉड अब मेरी बारी है ना। अरे नहीं नहीं कीड़े, तू कैसे अपग्रेड होगा? अभी ये देख यार, यहाँ पे है ना, यहाँ पे तेरा फ्रेंड हल्क बस्टर नहीं बाकी, हल्क बस्टर तो हल्क का फ्रेंड भी नहीं है, हम दोनों लड़ाई करते रहते पूरे दिन, अभी एक ही खाखरी बर्गर बचा है, अगर ये हल्क बस्टर ने खा लिया तो फिर हल्क के लिए कौन सा बर्गर बनेगा? फ्रैंकलिन को भी एक बर्गर खाने को मिला, टोनी स्टार्क को भी एक बर्गर खाने को मिला, आयरन मैन को भी खाने को मिला, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज सबको मिला, हल्क को उसकी बर्थडे पे एक भी हल्क का बर्गर खाने को नहीं मिला। हल्क बस्टर का बर्गर खाने का समय आ चुका है, बीप बूप, बहुत मजा आएगा, मैं एक जायंट हल्क बस्टर में कन्वर्ट हो जाऊंगा, फिर मैं सारे हल्क से स्ट्रांग हो जाऊंगा। बीप बूप, नम 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 नम। अरे वाह, ये देखो हल्क बस्टर भी एक जायंट हल्क बस्टर में कन्वर्ट हो चुका है, मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है, बहुत मजा आएगा। बीप बूप, हल्क अब बता कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तू ज्यादा स्ट्रांग है कि हल्क बस्टर ज्यादा स्ट्रांग है? अरे गाइस ये देखो यार, हल्क बस्टर को तो क्या तगड़ा सूट मिल चुका है, इसकी साइज देखो कितनी ज्यादा है। बीप बूप, बहुत मजा आ रही है। अरे हल्क सुन तो, गुस्सा क्यों कर रहा है यार? कोई बात नहीं ना, देख अब यहाँ पे यार बर्गर भले नहीं बचे हल्क के अपग्रेड होने वाले, ये वाला केक खा ले।
नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, हल्क का सिर्फ इस्तेमाल करते लोग, जब है ना तो भारी चीजें उठानी होती है तब सब जन हल्क को याद करते, जब अपग्रेड करना होता है तब कोई हल्क को याद नहीं करता। अरे कीड़े ऐसी बात नहीं है, तुझे भी देंगे बर्गर पर कभी बाद में, हम लोग तो अभी यहाँ से जा रहे, ठीक है ना। देख हमने तेरे सारे दोस्तों को अपग्रेड कर दिया पर तेरे दोस्तों को तेरी पड़ी नहीं थी, तब क्या कर सकते कीड़े, वो लोग चाहते तो तेरे लिए एक बर्गर छोड़ सकते थे पर तेरे लिए एक भी बर्गर नहीं छोड़ा उन्होंने। छी 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 छी। अरे ब्लैक टाइटन गॉड्स यार ये क्या बोल रहे हो, तुम लोगों ने बोला था उस हिसाब से बर्गर खाए। अरे नहीं नहीं, कोई चाहता तो पहले हल्क को बर्गर खाने दे सकता था, पर तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो हल्क अपग्रेड हो, तुम लोग है ना ग्रीन हल्क के दुश्मन हो। हाँ मैं होता तो सहन ही नहीं करता ग्रीन हल्क। बिल्कुल सही बोला, अवेंजर्स चाहते ही नहीं थे हल्क अपग्रेड हो। ये देखो टोनी स्टार्क स्वार्थी है, खुद खा के अपग्रेड हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्वार्थी है, स्पाइडरमैन भी स्वार्थी, हल्क बस्टर तो मेरा दुश्मन है ही। टाइटन गॉड सही बोल रहे हो, अवेंजर्स मुझसे प्यार नहीं करते। ये देखो किडो, अवेंजर्स के बीच में हमने फूट डाल दी है, अब ब्लैक फ्रैंकलिन को सिर्फ उसका काम करना है, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं जिससे अब कोई हम पे शक ना करे। चलो बाय बाय, चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अरे गाइस ये देखो यार, ये ब्लैक टाइटन गॉड्स तो यहाँ से रवाना हो गए यार, मुझे लगा ही था ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यार सारे दूसरे अवेंजर्स अपग्रेड हो गए, हल्क बस्टर, टोनी स्टार्क, अवेंजर्स का सुप्रीम लीडर टोनी स्टार्क के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, सब जन। पर यहाँ पे ये बेचारे को हल्क को उसकी बर्थडे पे हल्का बर्गर खाने नहीं मिला यार, इसको तो बहुत बुरा लगेगा, मैं क्या करूँ यार, मेरे पास हल्का बर्गर नहीं वरना मैं दे देता, और यार मेरी भी बुद्धू था यार, मेरे को पहले खुद बर्गर ना खा के हल्क को उसका बर्गर देना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते। गाइस एटलीस्ट तुम कमेंट सेक्शन में इसको हैप्पी बर्थडे तो लिख दो जिससे है ना इसको अच्छा लगे थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, हल्क को अब कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही, हल्क को उसकी बर्थडे पे अपग्रेड होने का मौका नहीं मिला, ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब, मैं तो जा रहा हूँ। अरे हल्क ऐसे गुस्सा नहीं करते यार, हम लोगों को तो अपग्रेड होने का मौका मिल गया ना। अरे पर टोनी स्टार्क तुम सब लोग को अपग्रेड होने का मौका मिला, हल्क को अपग्रेड होने का मौका नहीं मिला, हल्क इज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। अरे गाइस यार क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये ब्लैक हल्क टाइटन गॉड्स की बातों में आके ये ग्रीन हल्क कहां चला गया यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अवेंजर्स तुम तो कुछ करो। अरे ये अवेंजर्स अब इसमें क्या कर सकते, ग्रीन हल्क हमारी सक्सेस से जलता है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। हां बिल्कुल सही बात है, बीप बूप बीप बूप, बिल्कुल सही बात है। अरे हां मेरी प्रॉब्लम भी नहीं है। ओ नो गाइस अब क्या होगा, यही मेरा सिग्नल है, चलो जल्दी से चलता हूँ यहाँ पे। ये है ना ग्रीन हल्क जब एकदम रो रहा है, ये कमजोर महसूस कर रहा है, तब मैं है ना वो ब्लैक टाइटन गॉड्स का दिया हुआ बुरा वाला बर्गर इसको खिला के इसको एक ईविल ब्लैक हल्क में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे ब्लैक हल्क कैसा है, अरे अब मैं ब्लैक हल्क नहीं हूँ, मेरा नाम ग्रीन हल्क है, तो यहाँ पे क्यों आया ब्लैक फ्रैंकलिन, देखो तोड़ फोड़ के मार दूंगा मैं। अरे हल्क शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तो तुम्हें बस हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूँ, मुझे सुनने में आया कि तुमको तुम्हारी बर्थडे पे यार कोई भी हल्क का बर्गर खाने नहीं मिला, अवेंजर्स ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अरे हाँ हल्क के साथ बहुत बुरा हुआ, पर अब क्या कर सकते, अवेंजर्स हल्क से प्यार नहीं करते। अरे हाँ 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 मुझे पता है, अवेंजर्स तुझसे प्यार नहीं करते, अवेंजर्स मुझसे भी प्यार नहीं करते, पर हल्क मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि मैं अवेंजर्स को हमेशा हराने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे ना ग्रीन हल्क तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बेस्ट लगता है, मैं तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन हल्क इज बेस्ट बहुत बार लिखता हूँ। क्या हल्क के लिए बेस्ट लिखते हो तुम, थैंक यू ब्लैक फ्रैंकलिन, थैंक यू। इसके लिए तो देखो ब्लैक फ्रैंकलिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से स्पेशल तोहफा लेकर आए, मैंने मेरा सारा मैजिक और पेरी पावर्स इस्तेमाल करके ये देखो तुम्हारे लिए एक ब्लैक फ्रैंकलिन का ब्लैक हल्क बर्गर बनाया है। अब यार ये टाइटन गॉड जितने बर्गर जितना तो अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ यार कि ग्रीन हल्क को एक बर्थडे पे तो उसके लिए बर्गर मिले, तो तुम ये खा सकते हो दोस्त, फिर अपने दोनों दोस्त बन जाएंगे। ये खाते ही ये ग्रीन हल्क की विल ब्लैक हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, पर इसको ये बात थोड़ी पता चलेगी। अरे वाह वाह मुझे लगा नहीं था सिर्फ ब्लैक फ्रैंकलिन हल्क से प्यार करता होगा, थैंक यू ब्लैक फ्रैंकलिन। चलो जल्दी से बर्गर खा लेता हूँ, नम 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 नम। अरे वाह क्या स्वादिष्ट बर्गर है, डार्क चॉकलेट का टेस्ट है। अरे हाँ इसके लिए तो काला ये बर्गर, इसमें डार्क चॉकलेट है, ऐसा थोड़ी कि मैंने इसमें इविल ब्लैक हल्क का मैजिक डाला है। नम 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 नम। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया, ये हल्क के साथ क्या हो गया, हल्क तो कैसा खराब हो गया है, हल्क कितना हैंडसम था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो ईविल लग रहा हूँ, एकदम अगली हो गया हूँ, मेरा हाथ देखो सड़ गया है, मेरा मुंह भी सड़ गया है, मेरे पैर भी सड़ गए। अरे कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, ब्लैक फ्रैंकलिन मदद करो, तुम ही मेरे दोस्तों सिर्फ। ब्लैक फ्रैंकलिन का टाइम आ चुका है, चलो जल्दी से जाके हल्क को भड़का देता हूँ। अरे हल्क ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बर्गर लेकर आया था जिससे तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले थे, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे पीछे जो सारे अवेंजर्स खड़े इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि तुम अपग्रेड हो, तुम्हारे दुश्मन है ये लोग, देखो तुमको बर्गर भी नहीं खाने देना चाहते थे। अब मेरे को तो लगता है यहाँ पे टोनी स्टार्क ने अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा कर दिया कि मेरा अच्छा बर्गर ने तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ गंदा इफेक्ट कर दिया, मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं सहता। चलो ठीक है यार ग्रीन हल्क, अब देखो यार मैंने तो तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने की पूरी
पूरी कोशिश करी। अब तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम्हारे दोस्त बुरे, तो क्या कर सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूँ ना थोड़ी देर बाद। फ्रैंकलिन रुक जाओ, तुम ही तो मेरे दोस्त हो। अभी देखो ये ग्रीन हल्क पागल होके सबको मारने लगेगा और एवेंजर्स एक दूसरे को तबाह कर देंगे। अरे गाइस तुम्हें क्या लगता है, मुझे हल्क को कोई गिफ्ट देना चाहिए जिससे उससे अच्छा लगे। एक सेकेंड गाइस, ये क्या हो रहा है। अरे ये हल्क ने कुछ किया क्या। देखो यार ये तो जायंट ग्रीन हल्क में अपग्रेड हो गया, पर इसकी एक टांग काली क्यों लग रही है। ये क्या हो गया हल्क, तू इतना बदसूरत कैसे हो गया। अरे फ्रैंकलिन हल्क को बदसूरत क्यों बोल रहा है, ये एवेंजर्स की करतूत है। मैं बदसूरत नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, पर ये एवेंजर्स ने मेरे अगेंस्ट कुछ की चाल खेली है। मेरा अच्छा फ्रेंड ब्लैक फ्रैंकलिन मेरे लिए बर्गर लेकर आया था, पर जब से बर्गर खाया मैं खराब हो गया। मुझे तो लगता है कि टोनी स्टार्क मुझसे जलता है, इसके लिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मैं क्यों तुमसे जड़ूंगा। टोनी स्टार्क मर जाओ तुम, ये लो मेरे को ये सूट के साथ नई पावर्स मिली है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम भी मर जाओ, ये लो। अरे हल्क क्या कर रहा है, ये अपनी इविल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। बिबो बिबो हल्क बस्टर एक्टिवेट करना पड़ेगा। हल्क बस्टर तू एक्टिवेट होगा, रुक जा तू बचेगा ही नहीं। सारे एवेंजर्स को मार दूंगा। फ्रैंकलिन तुझे मैं अभी मार नहीं रहा हूँ, पता है क्यों। अरे क्यों। क्योंकि यार तूने है ना थोड़ा सा मेरा साथ दिया था, इसके लिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, वरना मैं तेरा हाल यही एवेंजर्स वाला करता। एवेंजर्स ने देखो मेरी बर्थडे पे मुझे एक राक्षस बना दिया है, कितने बुरे हैं एवेंजर्स। अरे नहीं एवेंजर्स ने राक्षस नहीं बनाया, हो सकता तुझे। फ्रैंकलिन तू भी एवेंजर्स का चमचा है, ये ले मेरा फायर मैजिक ले। गाइस ये तो हवा में उड़ा दिया मुझे। ये सारे एवेंजर्स बहुत बुरे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरी बर्थडे पे मेरे साथ धोखा किया। अरे नहीं 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 ये ब्लैक फ्रैंकलिन ने कुछ किया है। नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, वही अकेला सिर्फ मेरे लिए बर्गर लेकर आया। तुम सब में से कोई मेरे लिए बर्गर नहीं लेकर आया, पूरे एवेंजर्स टावर में मैं आग लगा दूंगा मेरे नए मैजिक से, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भले ही मैं बहुत ज्यादा अगली दिखने लग गया हूं, बट एटलीस्ट मेरे पास मैजिक की तो पावर आ गई है। पूरे लॉस सैंटोस को पता चलेगा कि अब उसने है ना ब्लैक हल्क को क्या कर दिया है। अरे ब्लैक हल्क नहीं तू ग्रीन हल्क है। नहीं अब मैं ग्रीन हल्क नहीं हूँ, अब मैं ब्लैक हल्क हूँ। मेरे पास ब्लैक हल्क का ब्लैक मैजिक है और ब्लैक पावर्स है, कोई भी नहीं बचेगा। किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया ना, अब सबको मैं बताऊंगा यार मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बर्थडे विश ना करने पे। आउच गाइस, यार देखो यार ये क्या हो गया, यार ये ब्लैक फ्रैंकलिन का नाम कहां से आया। एवेंजर्स ये क्या हो गया। फ्रैंकलिन ये क्या हो गया हमारे साथ। अरे यार ये क्या हो गया, मैं भी यही देख रहा हूँ गाइस। देखो सारे इधर जायंट एवेंजर्स यार यहाँ पे पड़े, ये कैसे हो सकता है। फ्रैंकलिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने यार ग्रीन हल्क की बर्थडे पे उसको बर्गर नहीं खाने दिया, इसके लिए ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक हल्क टाइटन गॉड्स ने मिली भगत करके हमारे प्यारे अच्छे और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हल्क को एक ब्लैक इविल हल्क में कन्वर्ट कर लिया। अरे हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम से भी गलती हुई है, मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। स्पाइडरमैन भी बहुत ज्यादा लालची हुआ था। बिबो बिबो हल्क बस्टर भी लालची हो गया था। अरे पर अब अपने करे क्या मुझे वो तो बताओ। फ्रैंकलिन हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुए हुए हैं और हमारे पास ये जो नई पावर्स है ये कुछ काम की भी नहीं है। ब्लैक हल्क टाइटन गॉड्स ने जो हमें सूट दिए है ये सिर्फ बड़े दिखते हैं पर एकदम खोखले। सही बोला ना डॉक्टर स्ट्रेंज, हमने पहले बात रियलाइज नहीं करी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला है, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा हूँ पर मेरा मैजिक तो पहले से ही बहुत ज्यादा छोटा हो गया। स्पाइडरमैन तो अपनी वेब भी नहीं छोड़ पा रहा। बीपू बीपू हल्क बस्टर का एक भी पावर वाला रिपल्सर काम नहीं कर रहा। अरे तो मैं क्या करूँ। टोनी स्टार्क मुझे ये तो बताओ यार, भले देखो मेरे पास एक ड्रैगन हल्क वाला सूट है पर यार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी है कि मैं इतने बड़े जायंट है ना इविल ब्लैक हल्क से हरा सकूं। और यार वो तो इविल ब्लैक हल्क है भी नहीं, अपना दोस्त है ग्रीन हल्क। फ्रैंकलिन ये देखो यार, हम लोगों ने सब एक सरप्राइज मिलके प्लान कर रहे थे जो हम ग्रीन हल्क को देने वाले थे, पर ये ब्लैक हल्क के आने में एक्साइटमेंट में हम सब भूल गए टाइटन गॉड्स के। अरे हाँ यार ब्लैक हल्क टाइटन गॉड्स यहाँ पे आने वाले किसी को भी पता ही नहीं था यार, सब प्लान चौपट कर दिया इन लोगों ने। क्या सरप्राइज प्लान किया था वो तो बताओ। फ्रैंकलिन यहाँ पे देखिए पीछे वाले कमरे में हम लोगों ने हल्क के लिए एक स्पेशल हल्क का बर्गर बनवाया था और ये हमने ग्रीन हल्क टाइटन गॉड्स की मदद से बनाया था। ये वाला बर्गर तू खा के खुद को अपग्रेड कर, स्ट्रॉन्ग कर और यार हमारे प्यारे दोस्त ग्रीन हल्क को एक ब्लैक हल्क के मैजिक से बचा। अरे यार तुम लोगों के पास ये बर्गर था तो पहले ही वो हल्क को खा लेने देते ना, वो भी एक अच्छे हल्क में अपग्रेड हो जाता। ये ना रहेगी बास, ना रहेगी बांसुरी, उसको बुरा नहीं लगता ना, वो इविल ब्लैक हल्क में कन्वर्ट होता। फ्रैंकलिन अब तो हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दे प्लीज यार। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब जन सॉरी लिख दो क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे हाँ और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। अरे स्पाइडरमैन ने तो वीडियो को लाइक भी कर दिया और कमेंट सेक्शन में सॉरी भी लिख दिया। स्पाइडरमैन इज वेरी वेरी सॉरी। बीपो बीपो हल्क बस्टर इज आल्सो वेरी सैड। फ्रैंकलिन तेरे पास एक बहुत ही ज्यादा बेशुमार पावर वाला ड्रैगन वाला हल्क सूट आया, तेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तू हमारे दोस्त ग्रीन हल्क को बचाए, जल्दी से खुद को अपग्रेड कर। अरे हाँ 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 टाइटन गॉड्स मुझे पता है मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। गाइस यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे कंधे पर उठाने के लिए रेडी हूँ। इसके लिए देखो यार मैं ये वाला बर्गर खाने वाला हूँ। ये देखो ये ड्रैगन वाला सूट अभी मेरे पास है, होपफुली मुझे और अच्छा हल्क ड्रैगन वाला सूट मिल जाएगा। इसको जल्दी से खाने लगता हूँ। नम 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 नम
अरे फ्रैंकलिन ये देख यार, ब्लैक हल्क तुझे पता है इविल होते हैं और ब्लैक फ्रैंकलिन भी इविल है, तो हम लोगों ने तुझे एक इविल हंट करने वाला चेनसॉ हल्क का ड्रैगन वाला सूट दिया। अरे गाइस ये देखो यार, मेरी छाती पे दो ड्रैगन है जो मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे आगे से, और मेरी छाती पे पीछे भी दो ड्रैगन है जो मुझे पीछे भी गोल्डन आर्मर दे रहे, और मेरे हाथों में भी छोटे छोटे ड्रैगन बने हुए जिससे मुझे ड्रैगन की पावर मिलेगी, और मेरे पास चेनसॉस आ गई है जिससे मैं सारे इविल को हरा दूंगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन, तेरे पास बहुत खतरनाक पावर्स आ गई है, क्या तू उनके लिए रेडी है? अरे हाँ हाँ रेडी तो हूँ मैं। गाइस ये देखो यार, मुझे इतनी खतरनाक चेनसॉ हल्क की पावर मिल चुकी है और मेरे पास ड्रैगन्स की भी पावर है, तो मतलब डबल धमाका हो गया। मेरे पास चार इतनी बड़ी बड़ी चेनसॉ की ब्लेड्स है, मैं इससे ब्लैक फ्रैंकलिन को पूरा काट दूंगा और उससे सच उगलवाऊंगा कि उसने भाई हमारे प्यारे हल्क के साथ किया गया। सही बोला ना टोनी स्टार्क? हाँ फ्रैंकलिन, हम ये बर्गर के इफेक्ट का उल्टा होने का वेट करेंगे, फिर जब हमारी साइज सारी नॉर्मल हो जाएगी तब हम भी तेरे को हेल्प करने के लिए आएंगे। अरे डोंट वरी यार, टाइटन गॉड्स का जो मैजिक चला यार उसको हम रिवर्स करके रहेंगे। गाइस देखो, हमें जो मेरे फ्रेंड को बचाना है, जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। और ये देखो यार, ये वाला चेनसॉ हल्क तो कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, इसकी चेनसॉस तो देखो कितनी सारी आ गई है, चार चार चेनसॉ है, मुंह पे भी दो दो चेनसॉ है, और यार इस पे है ना ये गोल्डन ड्रैगन हल्क के तो टैटूज है ही, तो यार मेरे को तो बहुत ही तगड़ी पावर्स मिल गई है। लेट्स गो गाइस, यार ये पावर्स के साथ मैं है ना मेरे फ्रेंड को पक्का बचा लूंगा, पर पहले मुझे उस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को ढूंढना पड़ेगा जिसने ये सारा माजरा करा है, मैं उसकी थोड़ी धुलाई लगाऊंगा और उससे सच उगलवाऊंगा। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो देखो यार ये ड्रैगन की पावर रखने वाला चेनसॉ मैन मैं आ चुका हूं, और मैंने ब्लैक फ्रैंकलिन का सीक्रेट हाइड आउट ढूंढ लिया। यार ये पहाड़ों में पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे छुप के रह रहा है ये ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को लग रहा है कि ये मेरे से बच जाएगा, और इसने है ना अवेंजर्स को हरा दिया, अवेंजर्स में फूट डाल के, पर इसको पता नहीं फ्रैंकलिन अभी तक जिंदा है, और जब तक फ्रैंकलिन जिंदा है तब तक अवेंजर्स को कुछ नहीं हो सकता। ये देखो यार मैं यहाँ पे जाता हूँ। गाइस देखो, मैं ज्यादा है ना पावर से अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ब्लैक फ्रैंकलिन ने यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी बिठा रखी है। ये देखो इतने सारे बुढ़े अंकल है, अब यार ये बुढ़े अंकल से डरने की जरूरत नहीं है। और ये देखो गाइस यार, इनके मुंह पे भी ड्रैगन के टैटूज है, इसका मतलब ये बुढ़े अंकल के पास भी कुछ ना कुछ तरह की पावर्स है। और देखो ब्लैक पैंथर जैसी इनके पास है ना गले में चेन भी है, और ये बड़ी वाली बंदूक देखो यार ये हल्क को मारने में इस्तेमाल हो सकती है, ये इतने सारे इनके पास बम भी है, और ऐसे एक नहीं यार ब्लैक फ्रैंकलिन ने कितने सारे अंकलों को लगा रखा है, ये सारे अंकल ब्लैक फ्रैंकलिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब तो मैंने अवेंजर्स में फूट डाल दी है, कोई भी किसी को नहीं बचा पाएगा, अवेंजर्स एक दूसरे से लड़ लड़ के खत्म कर देंगे एक दूसरे को, फिर लॉस सैंटोस पे ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक हल्क टाइटन गॉड का राज होगा। एक सेकंड गाइस, और एक चीज तो मैंने देखी नहीं यार, ये देखो यार यहाँ पे ब्लैक टाइटन गॉड्स भी आ गए। हेलो, हमारा काम बहुत अच्छा हो गया ब्लैक फ्रैंकलिन के कारण, सारे अवेंजर्स में से ऑलमोस्ट सबको तो ये ब्लैक इविल हल्क ने मार ही दिया है, अब यार बाकी सबको भी मार देगा। ये फ्रैंकलिन का बच्चा बच गया, पर उसको भी मारना है, उसने थोड़ा सा ग्रीन हल्क को हेल्प नहीं किया होता तो ग्रीन हल्क उसको भी मार देता। अरे टाइटन गॉड्स तुम चिंता मत करो, ब्लैक फ्रैंकलिन ना सब कुछ संभाल लेगा। अरे ये ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को लग रहा है वो सब कुछ संभाल लेगा। अरे ये कीड़ा फ्रैंकलिन चेनसॉ मैन हल्क का सूट लेके कहां से आ गया, और इसके पास इतने ज्यादा खतरनाक गोल्डन टैटू हल्क कहां से आ गया? अरे मैं तुम से किसी को नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये देखो, डायरेक्ट इन पे अटैक करने जा रहा हूं मैं। ये लो अंकल जी, ये लो तुम्हारी हल्क की बंदूक मेरे सामने कुछ काम नहीं करने वाली। अरे बड़बक, तेरे को क्या लगता है तू हमको मार देगा सबको? अरे मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है मैं सबको मार दूंगा। अरे मारो मारो फ्रैंकलिन को, मारो फ्रैंकलिन बचने ना पाए। अरे ये बुड़बक तो बहुत फास्ट है, और इसकी तो आंखें कैसे निकल रही है शरीर में से, देखो हम इसको मारेंगे कैसे दद्दू हल्क। अरे मैं दद्दू हल्क नहीं हूँ, मैं टाइटन गॉड ब्लैक हल्क हूँ। ब्लैक फ्रैंकलिन तू लड़ाई कर इससे। अरे ब्लैक फ्रैंकलिन क्या मेरे से लड़ाई करेगा, मैं सबको थोड़ फोड़ मचा दूंगा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे बुड़बक कितना मारेगा, तेरे में से आग निकल रही है, ब्लेड निकल रही है, हल्क है कि भाई दुकान है? अरे मैं दुकान नहीं हूँ गाइस, ये देखो यार ये अंकल तो सारे जन है ना पता नहीं मेरे से इतना डर गए कि मेरे पे अटैक ही नहीं कर रहे। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार हम तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर सिर्फ ना डिफेंस के लिए खड़े हुए थे यार, देखो थोड़ी थोड़ी गोलियां हम इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चेनसॉ हल्क कितना ज्यादा खतरनाक है, हम करें क्या? अरे क्या करूंगा मैं, टाइटन हल्क हेल्प करो यार, ये फ्रैंकलिन तो मुझे मार देगा। अरे कीड़े ब्लैक फ्रैंकलिन, तुझे हमने इविल की पावर्स क्यों दी है, अपनी भी इविल की पावर्स का इस्तेमाल करने का ट्राई कर। अरे ब्लैक फ्रैंकलिन रुक जा, मैं तेरे सारे चपुतरों को मार दूं, फिर मैं तेरे से लड़ने भी आ रहा हूं। ये लो। अरे बुड़बक ब्लैक फ्रैंकलिन हमको इस पागल आदमी से बचा ले। अरे तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। ये लो ये लो ये लो। फ्रैंकलिन हमला कर इस पे, ये हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसको इविल मॉन्स्टर हंटर्स की स्पेशल पावर्स मिल चुकी है ना, अगर ये हम तक पहुंच गया तो ऐसा किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे मैं किसी को तो नहीं छोड़ने वाला ब्लैक फ्रैंकलिन, यार रुक जाओ मैं तेरे सारे आदमियों को मार दूंगा, फिर तुझे भी मार दूंगा। नीचे गिर
गया, नीचे गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, यार एक चीज तुम्हें पता नहीं है, ये देखो यार मेरी पावर्स, मेरे में इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका है ना ब्लैक फ्रैंकलिन के कारण कि यार मैं है ना खुद कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। कांगे टाइटन गॉड, यार तुमने गलत किया यार, मेरे फ्रेंड का तुमने है ना गलत इस्तेमाल करा। ये देखो यार, ये मेरी पावर का हमला। ब्लैक फ्रैंकलिन, तूने अगर इसको मारा नहीं तो सब लोगों को बहुत ही जल्दी मार देगा। अरे बहुत ही जल्दी नहीं, ऑलमोस्ट मार ही दिया। ये देखो यार, तुम्हारी पूरी आर्मी को तो मैंने मार दिया। अरे टाइटन गॉड्स, चिंता मत करो, मैं कर रहा हूँ, इस पर अटैक कर रहा हूँ। अरे तेरे अटैक करने ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास देख यार ये इतने खतरनाक ड्रैगन्स की पावर आ चुकी है, मेरे को शील्ड मिली हुई है। तेरी शील्ड कुछ भी नहीं करेगी, ये देख उठा उठा के पटक पटक के मारूंगा तुझे। मेरे पास जो ब्लैक मैजिक है ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक टाइटन गॉड्स का बहुत स्ट्रांग है। कैसा लग रहा है तेरे साथ तो मैं बॉलिंग बॉल की तरह खेल रहा हूँ। अरे बॉलिंग बॉल की तरह तू अभी खेल रहा है, रुक जा मैं तुझे बताता हूँ असली पावर का। ठीक है ठीक है, मानता हूँ तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी तू हाँ मेरे आसपास की पावर भी रखता, मेरी पावर टाइटन गॉड्स ने दी है मुझे। ये देख तुझे कुत्ता बना दिया। अरे तेरे कुत्ता बना दिया, अरे ये क्या करा फिर, पिजन बना दिया। अरे एनिमल्स में कन्वर्ट मत कर मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं एक हल्क हूँ बहुत ज्यादा प्राउडली, और मुझे एक हल्क में रहने दे। ये ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, एक भी बार नहीं छोड़ूंगा। अरे टाइटन गॉड्स ये कैसा क्रेजी हो चुका है। अरे हाँ तूने बिल्कुल सही बोला, मैं एकदम क्रेजी हो चुका हूँ। तू मुझे जल्दी से बता दे कि मैं मेरे दोस्त की मदद कैसे करूँ, अगर तूने मुझे बताया नहीं ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन। नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। अरे ये फ्रैंकलिन तो पागल हो गया है, हमारा यहाँ से रफू चक्कर होने का टाइम आ चुका है। सायोनारा। अरे गाइस ये देखो ब्लैक टाइटन गॉड्स तो यहाँ पे भाग गए। ओके गाइस ये देखो यार, यहाँ पे मैंने ब्लैक फ्रैंकलिन की तो सारी प्लान बहना कीमा बना के उसका सब कुछ बुरा बेस बेस तोड़ दिया है। और यहाँ पे देखो यार इतनी सारी लाशें लग गई है। अब यार मुझे इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं थी, पर यार ये ब्लैक फ्रैंकलिन को डिफेंड कर रहे थे और मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन को मारना जरूरी था। ये देखो मेरी नई शक्तियों के साथ मैंने पूरी यहाँ पे है ना सब लोगों को मार दिया। ब्लैक फ्रैंकलिन देख यार, वो तेरे ब्लैक टाइटन गॉड्स जिनका है ना तू इतना ज्यादा नाम ले रहा था, वो लोग तुझे छोड़ के चले गए। अब तू मेरे सामने बचा है, मुझे जल्दी से बता कि मैं मेरे दोस्त को ठीक कैसे करूं, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखो क्या लगता है मैं तेरे से डर जाऊंगा फ्रैंकलिन के बच्चे, जस्ट बिकॉज तेरे पास अच्छा चेनसॉ हल्का ड्रैगन सूट है। अरे तू नहीं डरेगा मेरे से, रुको गाइस मेरे को इसको थोड़ा सा डराना पड़ेगा, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मेरी पावर्स कर क्या सकती है। ये देख रहा है यहाँ पे तेरा तंदूरी कबाब बना दूंगा तंदूरी फ्रैंकलिन, और अगर और भी मेरी बात नहीं माने तो तेरे ऊपर ग्रेनेड फेंकूंगा। और ये देख यार मैं मेरे एक हाथ से इतना बड़ा आंख का टोर्नेडो बना सकता हूँ, तेरे ऊपर भी फेंक सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देख यार, ऐसी लेजर कभी देखिए, तू चाहता है मैं ये लेजर तेरे ऊपर मारूं? चाहता तो नहीं हूं पर मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताएगा, रुक जा, ये ले बाजू में डरा के तो इसको थोड़ा सा बता। अरे नहीं 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 नहीं, बता रहा हूं फ्रैंकलिन गुस्सा मत कर यार मेरे पे। अच्छा अच्छा बता। फ्रैंकलिन देख, दो वड़ा पाव खाएगा ना चटनी के साथ तो तेरा दोस्त बच जाएगा। अरे तेरे को जोक सूझ रहे तेरी ऐसी तैसी, रुक जाओ गाइस इसको तो मेरे को थोड़ा लेजर मारनी पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, फ्रैंकलिन बहुत जल रहा है, प्लीज मत लगा मेरे में आग। अरे बताएगा कि नहीं बताएगा कि मैं मेरे दोस्त को कैसे बताऊं, वरना मेरे ड्रैगन के लेजर से तुझ पर अटैक करता रहो। अरे बता रहा हूं सच्ची आंसर चाहिए मुझे, वरना भी छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे कितना ज्यादा जला दिया भाई ब्लैक फ्रैंकलिन, ऑलरेडी इतना काला हो और काला कर देगा तू तो। ये देख यार मैंने उसको एक ईविल बर्गर खिला दिया है, इसके लिए उसकी पावर अभी थोड़ी टेम्पररी टाइम के लिए बढ़ गई है। अगर तू खुद को भी एक जायंट हल्क में कन्वर्ट करके उसको एक बार बेहोश करके अच्छा वाला बर्गर खिला देगा, उसके मुंह में डाल देगा, तो फिर यार वो वापस से एक अच्छे हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये करना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी साइज इतनी जायंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको तो बेहोश ही नहीं कर पाएगा भले ही तेरे पास इतनी पावर है। अबे मैंने तेरे से एडवाइस मांगी क्या कि मैं उसको मार पाऊंगा कि नहीं? रुक जाओ इसको तो थोड़ा सा और अटैक करने दो। गाइस देखो यार इसने मुझे बता दिया, पहले मुझे है ना मेरे फ्रेंड को बेहोश करना पड़ेगा। अब देखो मुझे उसको बेहोश करने की इच्छा तो नहीं है गाइस, पर मेरे को करना पड़ेगा। और फिर मैं उसके मुंह में अच्छा वाला बर्गर डाल दूंगा ना तो मेरा दोस्त वापस अच्छा हो जाएगा, मतलब वापस से ग्रीन हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये टास्क थोड़ा मुश्किल होने वाला है पर मैं कर दूंगा। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे आज तूने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, इसके लिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर तेरी थोड़ी कुटाई तो मैं यहां पे करके ही जाऊंगा। अरे बस बस फ्रैंकलिन तेरी चेनसॉ बहुत ज्यादा चुभ रही है। अरे चुभने के लिए मारी थी। ठीक है गाइस देखो और अभी मैं इसका कीमा पाव बना दिया, अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ देता हूँ। पर गाइस देखो मुझे अभी एक अच्छा वाला हल्का बर्गर चाहिए और मुझे नहीं पता यार वो बर्गर मुझे कहाँ पे मिलेगा। अरे फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क बोल रहा हूँ। हाँ टोनी स्टार्क बोलो। डोंट वरी यार, मैंने तेरे लिए एक कॉम्पिटिशन में एडमिशन करवा दिया है जहाँ पे हल्क का एक अच्छा वाला बर्गर मिल रहा है, तू वहाँ पे जाके अपने आप को भी अपग्रेड कर पाएगा और अगर तू कॉम्पिटिशन जीत गया तुझे एक एक्स्ट्रा बर्गर भी मिलेगा। अब तू उसका इस्तेमाल जायंट टोनी के लिए कर सकता है या फिर यार वो वाला बर्गर तो अपने दोस्त को खिला सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो बर्गर मेरे दोस्त
दोस्त को खिलाऊंगा जिससे यार वो वापस अच्छा हो जाए और वो इविल ना रहे। गाइस देखो यार, दोस्तों के बिना दुनिया में कोई मतलब नहीं होता, इसके लिए मैं मेरे दोस्त को अच्छा करने की पूरी ट्राई करूंगा। लेट्स गो गाइस, यार मुझे मेरे फ्रेंड के लिए ये करना है। ओके गाइस, ये देखो यार टोनी स्टार्क ने मुझे किधर बुला लिया भाई, ये कैसी जगह है? अरे फ्रैंकलिन यार, ये एक आउटर स्पेस के प्लेनेट में बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है, तुमको मैंने यहाँ पे एडमिशन दिलवा दिया। ये देखो स्पेस कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। अरे हाँ, लॉस सैंटोस जैसा ही थोड़ा सा टेरेन है, पर यार ये स्पेस के पत्थर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। गाइस यार ये देखो यार सामने यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे यार यहाँ पे तो देखो हमारे दद्दू हल्क खड़े। ओह माय गॉड गाइस, पर ये देखो यार ग्रीन वाले दद्दू हल्क कितने ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, इनके चेस्ट पे तो दो गोल्डन ड्रैगन है। अरे फ्रैंकलिन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन की पावर रखने वाले ग्रीन दद्दू हल्क है, बहुत अच्छे लग रहे ना। अरे हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे। और यहाँ पे कौन आया? ये चारों लोग आ गए भाई, मुझे इन लोगों से नफरत है, मुझे तो लगा था आज इन लोगों से पाला छूट गया। पर यहाँ पे तो देखो यार कीको, शिवा, पिंक लिटिल सिंगम और ब्लैक है ना छोटा भीम आया है। पर कोई बात नहीं गाइस, चेंजो हल्क वाला ड्रैगन पावर रखने वाला फ्रैंकलिन भी आ गया। आए फ्रैंकलिन पुत्र जी आ गए यार, तुम्हारी तो ड्रैगन की पावर्स बहुत तगड़ी लग रही है। अरे हाँ दद्दू हल्क एकदम चमक रहा हूँ ना। आए पुत्र जी चमक नहीं रहे यार, पूरी एक ड्रैगन की तरह आग लगा दी है तुमने, तो बहुत बढ़िया लग रही है। अरे कीको भी अच्छा लग रहा है, अभी शिवा भी तो अच्छा लग रहा है, और लिटिल सिंगम और भीम भी तो अच्छे लग रहे हैं। आए पुत्र जी, हाँ सब जन अच्छे लग रहे हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे मैंने बुलाया है। ये देखो तुम सारे पुत्र जी यहाँ पे आए हो, तुम लोग अपनी एक एक साइकिल लेके यहाँ पे से चैलेंज करने जाओगे। यहाँ पे तुम्हें फटाफट रैंप से नीचे उतरना है, और ये स्पेस वाले प्लेनेट पे थोड़ी ग्रेविटी अलग है तो ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हें सारे इंसानों को धक्का मार के आगे हटाना है, और इनको है ना धीमे धीमे सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉज करते करते आगे जाना है। ऐसे तो ये चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये स्पेस में इसके लिए थोड़ी सी ग्रेविटी अलग है। और ये गाइस देखो यार, यहाँ से तो हमको आगे जाना है, पर यार ये ऑब्स्टिकल तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे। और यहाँ पे एंड में देखो यार, दो इतने तगड़े यार हल्क के बर्गर्स पड़े जो मुझे चाहिए, एक मैं खा के खुद को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, और एक मेरे दोस्त के लिए लेके जाऊंगा उसको अच्छा करने के लिए। और पत्थर जी क्या तुम सब रेडी हो? अगर रेडी हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में स्टार्ट लिख दो जल्दी जल्दी से, जिससे हम कंपटीशन को स्टार्ट कर दे। शिवा ने तो स्टार्ट लिख दिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया, इसके लिए शिवा सबसे पहले जाएगा। अरे गाइस ये देखो, शिवा ने तो वीडियो को लाइक कर दिया, इसके लिए वो सबसे पहले जा रहा है। अरे ये देखो यार, यहाँ पे तो ग्रेविटी कितनी अजीब सी है। अरे शिवा तो पैडल मार रहा है, पर शिवा की साइकिल तो देखो हवा में कैसे फ्लोट कर रही है। अरे हाँ गाइस, शिवा की साइकिल तो फ्लोट कर रही है, देखते अभी ये क्या कर पाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे मैंने तो कुछ जंप भी नहीं मारा था, रुको एक चीज ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे व्हीली मारने की ट्राई करता हूँ। ओह ओ, अरे ये देखो यार यहाँ पे ग्रेविटी इतनी कम है कि मैं तो गोल गोल घूम के अंदर आ गया। अरे वाह गाइस, ये देखो यार ग्रेविटी कम होने का कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है शिवा को, तो उसकी साइकिल तो बार बार बाहर चली जा रही है, पर फिर भी यार है ना वो तो अंदर आने की ट्राई कर रहा है। आए पुत्र जी, शिवा यार पर तुमने तो पूरा ऑब्स्टेकल कोर्स बाहर से क्लियर किया है, ऐसा करना अलाउड ही नहीं यार, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। अरे यार मेरे को तो ग्रेविटी में ना गाड़ी चलाना ही समझ नहीं आ रहा। ओह ये देखो यार पूरी उल्टी हो गई बाइसिकल तो। अरे लिटिल सिंगम ने नेक्स्ट वीडियो को लाइक किया तो अब लिटिल सिंगम जाएगा, पिंक लिटिल सिंगम की पावर अभी पता चलेगी। ये देखो यार मैंने तो ग्रेविटी का इतना परफेक्ट मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ना कि मेरी गाड़ी तो यार यहाँ पे जमीन पे टच भी नहीं कर रही। ये देखो यहाँ पे इंसानों को बुड़ा दिया। अरे वाह ये लिटिल सिंगम ने गाइस बात तो सही बोली यार, इसने ग्रेविटी का मैनिपुलेशन बहुत अच्छा किया। अरे पर लिटिल सिंगम थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर दिया, तू तो हवा में उड़ने लग गया। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी ग्रेविटी मैंने शायद बहुत ज्यादा कम कर दिया। दद्दू हल्क बचाओ। आए पुत्र जी कहाँ जा रहे हो उड़ के? अरे लिटिल सिंगम को भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लिटिल सिंगम को कोई बचाओ, लिटिल सिंगम तो प्लेनेट के बाहर चला जाएगा। अरे लिटिल सिंगम ये पत्थर पे उतर जा भाई। अरे लिटिल सिंगम तो पत्थर पे उतर गया। ओ नो लिटिल सिंगम तो वापस ऊपर जाने लग गया, लिटिल सिंगम तो ऐसे चांद पे पहुंच जाएगा। ओ गाइस ये देखो लिटिल सिंगम ने तो गड़बड़ कर दी, ये तो है ना उड़ता उड़ता अब चांद पे पहुंचने वाला है। आए पुत्र जी चलो, लिटिल सिंगम भी डिस्क्वालीफाई हुआ जाता है। और अब भीम की शक्ति धूम मचा देगी, मेरे को लो ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार मैं तो मेरी साइकिल को एकदम धीमे धीमे जमीन पे चिपका के चलाऊंगा, इसके लिए मेरे लिए तो अर्थ पे साइकिल चला रहा हूँ वैसा ही मतलब होगा। अरे हाँ गाइस देखो बात तो सही है, भीम ने तो अपनी साइकिल को है ना जमीन से उछाया भी नहीं है, अब जगह जमीन से ही नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ये देखो भीम ने तो एक आदमी को भी मार दिया, पर गाइस देखो अभी यहाँ पे रैंप आ रहे, यहीं पे गड़बड़ होती है, रैंप से है ना अगर तुमको थोड़ा सा भी बूस्ट लॉन्च मिल गया तो तुम जमीन पे वापस ही नहीं आओगे, यहाँ पे हवा में उड़ते रह जाओगे लिटिल सिंगम की तरह। अरे नहीं भीम की शक्ति के साथ ऐसा होने नहीं वाला फ्रैंकलिन, ये देख यार यहाँ पे मैंने रैंप बूस्ट लिया। अरे नहीं 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 ये क्या होने लग गया, मेरी साइकिल भी हवा में उड़ने लग गई। गाइस ये देखो यार जो जिस चीज का डर था वही हुआ, यहाँ पे देखो भीम की शक्ति ने भी थोड़ी जल्दी कर दी ना, इसके लिए उसकी साइकिल भी हवा में उड़ने लग गई है भाई, अब इसको कुछ कोई नहीं बचा सकता, ये भी लिटिल सिंगम की जैसे स्पेस में जाने वाला है। आए पुत्र जी सही बोला यार, लिटिल सिंगम की जैसे भीम की शक्ति को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और इसमें लिटिल सिंगम और भीम की क्या गलती है, ग्रेविटी इतनी कम है। अरे पर ग्रेविटी इतनी कम है तो इसमें किसी और की भी गलती नहीं है ना, ये देखो तो उड़ते उड़ते कहाँ पे स्नो वर्ल्ड में चला गया। कीको को तो
सब आता है। कीको तो स्पेस में साइकिल बचपन से चला रहा है। कीको तो एकदम एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। अरे एक्सपर्ट कीको के भी देखते गाइस क्या कारनामे होते। ये देखो इसने साइकिल तो चलाना चालू कर दिया, अभी देखो ऐसे तो काफी ढंग से साइकिल चला रहा है, काफी ज्यादा स्पीड में भी चला रहा है, और इसने तो अभी तक कोई टेक ऑफ लॉन्च भी नहीं किया। अरे देखो टेक्निक ये है कि जंप लेने वाले हो ना, तब जंप लेने से पहले थोड़ी सी ब्रेक दबा दो तो तुम ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे, थोड़े ही ऊपर जाओगे। ओ थैंक यू कीको मुझे ट्रिक बताने के लिए। अरे नहीं नहीं मेरी ट्रिक मत इस्तेमाल करना फ्रैंकलिन भैया, तो तू हल्क मेरी ट्रिक फ्रैंकलिन भैया को इस्तेमाल करने से रोकना। आए पुत्तर जी तुमने खुद नहीं बताई, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता। अरे नहीं 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 मुझे नहीं खेलना, अगर फ्रैंकलिन भैया मेरी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो। अरे कीको शांत हो जा भाई, इतनी ज्यादा स्पीड में कुछ नहीं साइकिल। अरे यार ये देखो गाइस मैं तो इसकी ट्रिक इस्तेमाल भी नहीं करने वाला था, और तूने बुद्धू एक चीज सोची कि अगर तू पहले जाके बर्गर जीत लेता तो मुझे तो ट्रिक इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलता, तू ऑलमोस्ट जीत ही गया था। अरे कीको ने तो गड़बड़ कर दी यार, कोई बात नहीं चलो स्पेस तो घूमने मिलेगा मेरी साइकिल पे मुझे। ओए पुत्तर जी सारे ड्रैगन हल्क्स का नाम रोशन करने का तुम्हें मौका मिला है, तुम ये कर लोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं ग्रेविटी के सामने हारूंगा नहीं गाइस, मैं पक्का पक्का मेरी साइकिल को जमीन पे रखूंगा। और देखो यार मेरे पास तो ये फायर की पावर है, मैं फायर का इस्तेमाल करके खुद को स्टेबलाइज करूंगा। ये देखो यार यहाँ पे है ना खुद को एकदम जमीन पे अटका रखा है, मेरे को बिल्कुल भी साइकिल को ऊपर नहीं जाने देना, अगर साइकिल ऊपर चली गई ना गाइस तभी प्रॉब्लम होती है। आइए और ये ऑलमोस्ट ऊपर चली गई थी। अरे बाबा रे मार दिया बुड्ढी आंटी को। अरे बुड्ढी आंटी आपको मानना यार मेरा गेम का पार्ट था, वरना मैं आपको बिल्कुल नहीं मारता यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये देखो यार यहाँ पे आगे जा रहे गाइस, देखो यार सब जन यहाँ पे हवा में उड़े थे। ओए 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 टायर से बचना है। अरे रे रुक जाओ, अगर इसने मुझे थड़ा के थोड़ा भी ऊपर फेंक दिया तो तकलीफ हो जाएगी। अरे ये बॉलिंग बॉल से भी नहीं हिल रहा। ओए पुत्तर जी सबसे ज्यादा मुश्किल जंप है ये, यहाँ पे कर लोगे ना तुम? ओए पुत्तर जी नहीं यार क्या कर रहे हो, बाहर गिर जाओगे। अरे नहीं नहीं तो डोंट वरी यार मेरा वजन बहुत ज्यादा 1000 किलो से भी ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा नीचे आ गया। ओए पुत्तर जी ऑलमोस्ट आउट हो गए थे, तुमको अपने दोस्त को बचाने के लिए बर्गर नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए चाहिए। ओ गाइस देखो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मैंने ब्रेक मार ली वरना पोपट हो जाता मेरा। और ये देखो इधर से भी बच गया मैं, और ये देखो यार यहाँ पे आगे मैं पहुंच चुका हूँ। आए पुत्तर जी वेरी नाइस है, जल्दी से एक बर्गर तुम खा लो खुद की पावर बढ़ाने के लिए। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, लेट्स गो गाइस मैं जल्दी जल्दी से बर्गर खा लेता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस ये देखो मैं तो एक 11 हेड वाला हल्क बन चुका, और मेरे हाथों पे देखो यार ड्रैगन के टैटूज आ गए टैटू हल्क आपके जैसे। ओए पुत्तर जी हाँ यार तुम्हारे पास भी अब वो वाले ड्रैगन की पावर आ चुकी है जो ड्रैगन की पावर मेरे पास है। और ये देखो तो सर गाइस कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं, और ये ड्रैगन के टैटूज की पावर तो देखो गाइस इतनी ज्यादा पावर तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। और ये देखो मैंने मेरे अंदर के ड्रैगन को जगा दिया है, और देखो यार ये ड्रैगन को जगाने के बाद मेरी पावर्स अलग अलग तरह की चेंज हो रही है। ओके गाइस देखते यार, अरे देखो मेरे पास फ्लेम भी अलग अलग तरह की है। ये देखो यार ये अगर मुझे किसी को इंस्टेंटली मारना हो तो मैं ये वाली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये वाली फ्लेम यार मेरे को सिर्फ पावर देती है ये वाली भी। और देखो अभी मैं फ्लेम को बंद कर दिया, पर मैं तो मेरी नॉर्मल वाली फ्लेम ही रखूंगा। एक काम करता हूँ देखो ये वाला बर्गर अब मुझे मेरे दोस्त के पास लेके जाना है। दद्दू हल्क पता है क्या मेरा दोस्त कहाँ पे है? वो इविल आधा ब्लैक और आधा ग्रीन हल्क। ओए पत्तर जी लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे वो दगाबाजी कर रहा है, जल्दी जाके उसको रोक लो। अरे हाँ हाँ डोंट वरी उसको मैं वहीं पे जाके रोकता हूँ गाइस। ओके गाइस चलो यार टाइम आ चुका है, मुझे जल्दी से ना वापस से लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा ये वाला बर्गर लेके। ओए पत्तर जी बेस्ट ऑफ लक। अरे नहीं नहीं थैंक यू दद्दू हल्क, बेस्ट ऑफ लक की जरूरत ही नहीं, आपने मुझे इतना खतरनाक ड्रैगन हल्क दे दिया। गाइस ये देखो मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे लॉस सैंटोस में। गाइस देखो यार पहले है ना मुझे वहाँ लॉस सैंटोस में पहुँच के ये जो बर्गर है इसको कहीं पे सेफ जगह पे रखना पड़ेगा जिससे इसको डैमेज ना लगे, और उसके बाद है ना मुझे है ना मेरे दोस्त को पहले थोड़ा मार पिटाई करके उसको बेहोश करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। गाइस देखो यार ये टास्क जितना मुश्किल होगा मैं इसको करके बताऊंगा, लेट्स गो गाइस। ये देखो यार मैं इसको है ना यहाँ पर आ चुका हूँ, एक काम करता हूँ यार यहाँ पे लैंडिंग करके है ना ये बर्गर को यहाँ पे छत पे मैं सेफली रख देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरी लैंडिंग से थोड़ी आग वाग आ गई है पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी बर्गर है ना हल्क का बर्गर है, नॉर्मल बर्गर नहीं, खराब नहीं होगा। फ्रैंकलिन क्यों आया है तू यहाँ पे, मैंने तुझे छोड़ा था तू फिर से यहाँ पे आ गया, अब तू भी मरेगा सब लोगों की तरह। अरे रे 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 ये तो गाइस तो देखो मेरे को मारना भी चालू कर दिया। फ्रैंकलिन इधर आ, तू यार मुझे तो लगा था तू अच्छा है पर तू भी बाकी लोगों के जैसा ही है, तू भी नहीं चाहता कि मेरी बर्थडे अच्छी सेलिब्रेट हो, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा ग्रीन हल्क रुक जा मेरी बात तो सुन यार, ये सारी ब्लैक हल्क और ब्लैक फ्रैंकलिन की चाल थी तुझे फंसाने के लिए, हम लोग एक्चुअल में बुरे नहीं यार, तेरे लिए टोनी स्टार्क ने एक बर्गर रखा था। झूठ मत बोलो, टोनी स्टार्क ने फ्रैंकलिन के लिए बर्गर रखा था, दूसरे एवेंजर्स के लिए रखा था, हल्क के लिए एक भी बर्गर नहीं रखा था। अरे नहीं रखा था गाइस, यार कमेंट सेक्शन में जल्दी से यस करो जिससे इसको पता चले कि इसके लिए बर्गर रखा गया था। नहीं रखा गया था, मैं किसकी बात नहीं मानूंगा, मैं
सबको मार दूंगा। अरे नहीं गाइस, देखो यार कुछ भी है ना, बात नहीं फैलने वाली है, मुझे है ना इसको बेहोश करना ही पड़ेगा। अब तेरा सच पता चल गया ना, तू मुझे यहाँ पे मारने आया है फ्रैंकलिन, मुझे तेरा सच पता चल चुका है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा, एक मौका दे दे। गाइस देखो यार, मुझे इस पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि है ना ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है यार। सही में यार, ब्लैक फ्रैंकलिन ने इसको पता नहीं कैसी पावर दे दी, वो एक इविल बर्गर खिला के। ब्लैक फ्रैंकलिन मेरा अच्छा दोस्त, वही मेरा अच्छा दोस्त है और कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आउच गाइस, ये तो मुझे मारे जा रहा है। गाइस आई डोंट थिंक यार, मैं है ना जब तक एक जायंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होऊंगा तब तक मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। तुम लोगों को जल्दी से है ना वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं इसको शायद मार पाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई भी वीडियो को लाइक मत करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही मत करना, इसको छोटे फॉर्म में रहने दो। गाइस ठीक है यार, अब तुम लोग वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हो तो मैं छोटे फॉर्म में रह के इसको हराने की कोशिश करूंगा। ये ला, मेरी फायर की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ड्रैगन की पावर है। देखो गाइस कहा है मेरी, जल्दी से फायर्स, मेरी फ्लेम्स वापस आ जा। ये ले तेरी फ्लेम को काउंटर करने के लिए मैंने दूसरी फ्लेम्स का इस्तेमाल किया। वापस आने दो, आने दो, आने दो, मेरी फ्लेम्स चार्ज हो गई। ये ले तेरी लेजर कुछ काम नहीं आने वाली। अरे गाइस मैंने मेरा अटैक को मिस कर दिया, रुको ये मार दिया। फ्लेम से बार बार अटैक मत कर मेरे पे, चीटिंग कर रहा है तू, चीटिंग। अरे कोई चीटिंग नहीं यार, ये खा। अरे गाइस देखो यार, मैं इसको फ्लेम से मारे जा रहा हूँ। अरे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू मुझे बेहोश कर रहा है। फ्रैंकलिन बेहोश मत कर मुझे, मुझे जिंदा रहना है, तू मुझे मार मत। अरे दोस्त मैं तुझे मार नहीं रहा यार, ये सिर्फ तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा दुश्मन हूं, पर मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। ये ले। हाँ नहीं 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 नहीं। आओ 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 गाइस, ये देखो यार। ओके गाइस आई थिंक यार मैंने है ना उसको बेहोश कर दिया है। ये देखो गाइस मैं ये बर्गर लेकर आ गया, जल्दी से मेरे दोस्त को खिला दो। अरे फ्रैंकलिन प्लीज इसको खिला के ठीक कर दो, मैं टोनी स्टार्क बोल रहा हूँ। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, ये देखो मैं ये बर्गर इसके मुंह में रख देता हूँ, ये खा ले। नम 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 नम, खा ले खा ले, जल्दी से खा ले मेरे दोस्त। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया? अरे हल्क फाइनली फ्री हो गया भाई, मुझे वो ब्लैक फ्रैंकलिन ने कैसा बर्गर खिला दिया था, मैं मेरे पूरे कंट्रोल के बाहर हो गया था। थैंक यू फ्रैंकलिन, तूने मेरी जान बचा ली। फ्रैंकलिन सबसे अच्छा है, सब जन कमेंट सेक्शन में थैंक यू फ्रैंकलिन लिख दो। अरे बस बस, थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है गाइस यार, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है तो तुम्हें बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये देखो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, ये भी देखना, ये बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।